कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए, क्योंकि उनके लिए मणिपुर हिंदुस्तान नहीं है। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई ये है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने दो भाग में कर दिया है, मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया है। मैं मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में गया, रिलीफ कैंप में मैंने महिलाओं से बात की। एक महिला मुझे कहती है, मैंने उनसे पूछा, बहन क्या हुआ आपके साथ? कहती है, मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात, आप सोचिए, आप अपने बेटे के बारे में, बेटों के बारे में सोचिए, मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही। झूठ नहीं, झूठ आप बोलते हो, झूठ मैं नहीं बोलता हूं। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही और फिर मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा, कुछ तो लाई होगी? कहती है, नहीं, सिर्फ मेरे जो कपड़े हैं ये मेरे पास हैं। और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है, यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण, दूसरे कैंप में मैं, एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूँ, तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? और जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, शर्म नहीं है तेरे को? वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी, उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। तो ये मैंने आपको सिर्फ दो उदाहरण दिए हैं स्पीकर सर। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है, हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की, भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो, आपने देश की हत्या मणिपुर में की। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हथियारे हो। माननीय सदस्यगण, भारत माँ हमारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में, एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं माने सदस्य, और इसलिए सुनते हैं। नो, एक गलत तरीका माने सदस्य, माने सदस्य गलत तरीका है। अडानी जी के लिए मोदी जी ने क्या काम किया है देख लीजिए। आप ये पहले आप गलत तरीका आपका माने सदस्य, आपका गलत तरीका है। आप सीनियर सदस्य हैं, आप इस तरीके का व्यवहार सदन में मत करिए। आप बात करिए, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लाना ये उचित नहीं है किसी तरीके से। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं,
अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप सही अमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। धन्यवाद स्पीकर।